बहुत लंबी थी, उसको मैंने कटिंग कर दी। ये दूसरा पीस बहुत लंबी थी, ओढ़ते तो शायद इतनी लंबी रह जाएगी आपकी, पता नहीं कि कौन से जमाने से बन गई है। कौन आया? हेलो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो यार मैं आज ऐसे ही अभी करते हो ऐसे काम, अगर राजस्थान से तो राजस्थान में तो जुगाड़ का जुगाड़ ही होता सारा, ये रजाई का कवर है, पहले भी ये बंद कर लेते इसको, बाद में कवर लगा देते। नीचे ठंडा ठंडा आ रहा है में, तुम्हारे इतने भेजो बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसे ऐसे हाथ लगाने से बाल गिरते हैं, दिख रहे हैं आपको? राजस्थान से हो जो भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो लोग तो आप समझ ही सकते हो, राजस्थानी जुगाड़ में नंबर वन। सुबह सुबह जल्दी करती हूँ या शाम को, फिर खाना वाना बना के फिर देर से खाऊँ, तो सिलाई से खुली होती है। हेलो रमेश, कुछ नहीं मैं तो इनसे बात कर रही हूँ। जैसे धूप में जाके बैठा है, मेरा भी मन कर रहा था। गमचो मत जोड़ो जी, ठीक है देगा जा, अब तो लो ये रोटी का कुछ बैठ जाओ, कपड़े सुखाए दे, वो वाला ले जाओ आज तो कहीं हो बार कहीं क्यों वहाँ घर है वहाँ पर फोन कर दिया। हेलो से आप
स्लिप हो गए तो मैं बात कर लूँ, स्लिप हो गए नहीं तो फिर कैसे बात करूँ। हेलो विशु जी, आप कुछ बोलो तो सही यार आगे। मैडम थैंक यू। Thank you. छोटे छोटे से रूप में फूटते जा रहे हैं। मैं क्लिनिक प्लस शैम्पू से सिर धोती हूँ हमेशा, अब शुरू से ये मेरे को लगता है गलत है, बहुत बाल टूटते हमेशा से ही मेरे बाल इतने से होने शायद, बस थोड़े से लंबे होने चाहिए तो फिर मैं गुस्से में कटवा देती हूँ, बढ़ते ही तो फिर क्या फायदा। तो आज तो सच में तो सोने का मन कर रहा था, लेकिन अब ये छोटे मोटे काम है तो उसको कर लेती हूँ। पहले रसोई साफ करी, कपड़े धोए, कपड़े बचा रहे थे क्योंकि आज सारे स्वेटर घर पे थे, इसलिए सारे स्वेटर वगैरह सब धो। मैं तो हफ्ते में दो एक तीन दिन एक पहनती हूँ, फिर तीसरे दिन चेंज कर लेती स्वेटर, वो बाकी है ना क्या बताऊँ। सुबह कौन सा पहनेंगे, शाम को कौन सा पहनेगा, पर ये बात है कि यश पहनता वो शाम को राजवर्धन पहन लेता है, या राजवर्धन सुबह पहनता वो शाम को यश पहनता, ऐसा तो जरूर करते ही दोनों भाई पहन लेते हैं, और तीनों के एक जिस बराबर ही आते हैं ना आप, उसके पापा बहुत पतले होते हैं कोई बात, लेकिन है वो ठीक है बस है ना दुनिया में तो है ना, उस समय तो कोई 1% भी नहीं लगा था ये बच्चे। हाँ अभी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा ऐसे है पतले है वो है, लेकिन तो मेरे को पता है वो बच गए मेरे लिए, वो काफ़ी है। कोविड में बहुत बुरी हालत हो गई थी, इतने इतने से पाँव हाथ पे हो गए थे, तो सच में बहुत बहुत बुरा वक्त था वो, और काफ़ी लोगों के ऐसे हुआ है लाइफ में किसी के साथ बहुत बुरा ही हुआ है। चलो मेरे पास है तो सही ना, पतला है चाहे मोटा है कोई बात नहीं, जैसे भी है लेकिन है तो सही ना, बच्चों के लिए बात कम नहीं है। वो बहुत सच में बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा दीपक जी, आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें प्लीज़, मुझे ऐसे शब्द सुनना पसंद नहीं, वो पता नहीं मैं कौन सी मजबूरी में अपना वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा है मैं ऐसे आलतू फालतू बात सुनूँ, और उसका जवाब भी है मेरे पास। अगर ज़्यादा शौक है तो अपनी माँ और अपनी बहन का कुछ देखो जाके, बहुत अच्छा लगेगा। ओके okay?
मैंने पहले रिक्वेस्ट करी है कि ऐसे गंदे लोगों को मेरे लाइन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी लाइन में इंसान है बहुत सारे अच्छे अच्छे तुम्हारे जैसे गंदे नहीं। वही बात है कि जब आपकी सोच इतनी घटिया हो तो आपकी बहन और आपकी माँ कैसे उस महफूज होगी उस घर में, पता नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, कुछ बोलो तो सही। मुझे पता है अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, बुरे पांच है तो अच्छे दस भी है, बस घटिया लोगों की संगति में रहकर थोड़ा थोड़ा सा शब्दों में जी। कौन आया? यशवर्धन काम को लिखती हूँ, फिर थोड़ा सोऊंगी, थकी थकी लग रही है। बाय।